अब आर इंफिनिटी, और टी समय पर ध्रुवण कोण का मापन करोगे तो वो होगा आर टी। तो इस प्रकार अपन आर टी, आर नॉट और आर इंफिनिटी के मान रखकर अपन इसकी काइनेटिक्स को अध्ययन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिक्रिया वेग है का नियतांक के मान कितना आ रहा है। उसका मान आते ही अपने पास में सीधा सा अभिक्रिया वेग आ जाता है। तो अगर अपने पास में सुक्रोज का प्रतिपन आ रहा होता है तो अपन को ये वाला फॉर्मूला क्या करना होता है, यूज करना होता है। ये भी अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, मतलब सुक्रोज की जो प्रतिपन होता है वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। तो अगर गैस ही आ गई तो अपन को P इनिशियल अपॉन P रिमेनिंग निकालना होगा। अगर अपने पास में प्रतिपन आ गया तो अपन को इस टाइप का फॉर्मूला मिलेगा जिसमें ये क्या है, घूर्णन कोण है, अलग अलग समय पर क्या है, घूर्णन कोण है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिपन के लिए अपने पास में ये फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट तीसरी टाइप की रिएक्शन अध्ययन करेंगे, एस्टर का एस्टर का जल अपघटन। देखो एस्टर क्या होता है अपना, CH3 C double bond O C2H5, इस प्रकार का जो भी कंपाउंड होता है ये क्या होते हैं अपने, एस्टर होते हैं। इनका अगर मैं जल अपघटन करवाऊँ यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, CH3 CWOH + C2H5OH, ठीक है। मतलब इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनता है और अपने पास ये एसिटिक एस्टर है। ये क्या है अपना, एसिटिक एस्टर। ये अपने पास में क्या है, एसिटिक अम्ल। ये क्या है, एथेनॉल है अपने पास, ठीक है। अब देखो इस अभिक्रिया की काइनेटिक्स का अध्ययन इसकी सांद्रता से नहीं करके अपन जो बनने वाला अम्ल है इसकी बनने वाले अम्ल की मात्रा के अनुसार करते हैं। ये जितना बनेगा उतना ही अपन को क्या पता पड़ेगा कि रिएक्शन कितनी तेज हो रही है। तो इसका बनने का कितना अनुमान है वो अपन लगाते हैं अनुमापन से। मतलब इस अभिक्रिया का अध्ययन अपन किसकी सहायता से करते हैं, टाइट्रेशन की सहायता से करते हैं। तो यहाँ पर अनुमापन को क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। तो अनुमापन क्या करते हैं, ये अम्ल है तो इसका क्षार के साथ अनुमापन करवाते हैं, क्षार के साथ अनुमापन करवाते हैं और फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर के रूप में अपन लेते हैं। तो इसका अनुमापन जैसे ही होगा, अनुमापन होने पर क्या होगा, अनुमापन से क्या मिलेगी, अम्ल की मात्रा मिल जाएगी कि इसमें अम्ल कितना है। तो अम्ल की मात्रा आती है अपने पास, पूरी की पूरी काइनेटिक्स का अध्ययन हो जाएगा। तो इस वाली अभिक्रिया के लिए अपना जो वेग व्यंजक का आएगा, समाकलित वेग समीकरण, वो निम्न आता है, इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आता है। देखो इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए 2.303/T log V∞-V0 V∞-VT, इस प्रकार का अपने पास में क्या आता है, समीकरण आता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए अपना समीकरण क्या आता है, V∞-V0। अब ये चीजें क्या है, जैसे पिछली बार अपने क्या आया था, R0-R∞ RT-R∞, तो वहां वो क्या था, ध्रुवण कोण था। यहां पर ये क्या होता है, V नोट होता है क्षार का प्रारंभिक आयतन। मतलब जो तुम अनुमापन में क्षार लोगे उसका प्रारंभिक आयतन क्या लिया है, फिर इसके पास में अपने पास में
अपने पास में क्या है इन्फिनिटी, उसमें क्या आएगा अनंत समय पर, अनंत समय पर चार का आयतन और VT अपने पास में क्या आएगा T समय पर चार का आयतन। अपने इस प्रकार यहाँ क्या आता है, अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं अनुमापन कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक कॉनिकल में, एक कॉनिकल फ्लास्क में अपन क्या लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में अपन जो भी अपने पास में रिएक्शन मिक्सचर है उसको लेंगे। इसके अंदर क्या रहेगा रिएक्शन मिक्सचर, इसमें अपन क्या डालेंगे ऊपर से बेस शार डालेंगे और क्या डालेंगे इंडिकेटर, और इसकी अनुमापन करवाएंगे। तो जैसे जैसे अभिक्रिया में अपने पास में एसिटिक अम्ल बनता जाएगा वैसे वैसे क्षार से अभिक्रिया करके क्या होता जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया होती जाएगी। जैसे ही अपने पास में बनने वाला CH3COOH खत्म होगा अपन को इंडिकेटर का क्या मिल जाएगा कलर मिल जाएगा। तो वो मान जो कि इनिशियल अपन ने बेस कितना डाला, अनंत समय पर बेस कितना आया और टी समय पर, अपन अलग अलग समयों पर क्या करते रहेंगे वैल्यू निकालते रहेंगे इसकी। तो इस प्रकार इस समीकरण में रख के अपन क्या कर सकते हैं एस्टर के अपघटन जैसी अभिक्रियाओं के क्या कर सकते हैं अपन काइनेटिक्स को अध्ययन कर सकते हैं। तो ये अपने पास मुख्य रूप से तीन प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक तो गैसीय अभिक्रियाएं, एक होता है एस्टर का अपघटन, दूसरा होता है सुक्रोज का प्रतिपन। ये एस्टर का जल अपघटन भी क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है अगर अपन अम्लीय माध्यम में अपघटन करवाते हैं तो। तो ये अपने पास तीन फॉर्मूलास क्या आते हैं इसके आते हैं। अब अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के कुछ सवालों को करेंगे ताकि अपन को जितने ये फॉर्मूलाज लिखे हैं जो भी अर्धायु काल वगैरह उनके बारे में अपन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि इनको यूज़ कैसे करना है। देखो अपन अब लेंगे एक एक क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता वन वन मोल पर लीटर है, सो सेकंड पश्चात यह सांद्रता 0.1 मोल पर लीटर रह जाती है। तो वेग नियतांक का मान ज्ञात करो। तो वेग नियतांक का मान ज्ञात करो। देखो इस प्रश्न में अपन को दे रखा है प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, सौ सेकंड पश्चात ये सांद्रता कितनी रह जाती है 0.1 मोल पर लीटर रह जाती है।
तो अपन को क्या ज्ञात करना है, वेग नियतांक के का मान ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे आंसर में दिया है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बराबर कितनी है, 1 mole per liter। अभिकारकों की टी बराबर 100 सेकेंड पर सांद्रता 0.1 mole per liter, चूंकि वेग नियतांक के बराबर क्या होता है प्रथम कोटि के लिए 2.303/t log r0/r। तो यहाँ पर r0 क्या है अपना प्रारंभिक सांद्रता है और r क्या है जो बची हुई सांद्रता है। तो अपना k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k = 2.303 log 1/0.1/100 = क्या आ जाएगा 0.02303 log। देखो एक में 0.1 का भाग देंगे तो क्या आएगा log 10, चूंकि log 10 कितना होता है 1, तो अपने पास में k बराबर क्या जाएगा 0.02303 sec inverse। k क्या आ जाएगा अपना, यह आ जाएगा चूंकि log 10 क्या होता है 1 होता है। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या किया अपन को, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 1, फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है जो बची हुई है 0.1, तो अपने सीधा लॉग के अंदर ये 1 और 0.1 रखा। तो यहाँ पर जैसे 100 का भाग दिया तो आया 0.02303, ठीक है, log 10, एक में 0.1 का भाग दिया तो log 10 आया। तो अपने पास log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो अपने पास सीधा का सीधा आंसर क्या आ गया 0.2303 sec inverse। तो ये आ गया अपना k की मान आ गया, ठीक है। अब अपन दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल लेते हैं, क्वेश्चन 2। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में 40% पूर्ण होने में 2303 सेकेंड लगते हैं। तो अभिक्रिया वेग नियतांक को ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में समय दे रखा है 2303 सेकेंड दे रखी है अपन को। तो यहाँ पर अपन को अभिक्रिया वेग वापस से k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपने पास में आंसर लिखेंगे अपन, आंसर देखो दिया है समय 2303 सेकेंड, अभिक्रिया की प्रगति चालीस परसेंट, ठीक है। अपन लिखेंगे माना अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता
बराबर 100 है, प्रारंभिक सांद्रता 100, तो 2303 सेकंड पश्चात शेष सांद्रता कितनी होगी? देखो 100 अपनी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और 40% कंप्लीट हो गई, तो बची हुई कितनी होगी? 100 माइनस 40 बराबर 60 आ जाएगी अपने पास में। 100 माइनस 40 बराबर 60, ये क्या आ जाएगा अपना, बची हुई सांद्रता अपने पास में आ जाएगी। अब जब शेष आ गई, प्रारंभिक आ गई और समय आ गया, तो अपन सीधा का सीधा किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे, दिया है ये सब, ये चीज अपन ने माना है, इसको मानते ही अपने पास में शेष सांद्रता आ गई, तो अपने पास में क्या लिखेंगे, चूंकि आर नोट बराबर 100, आर रिमेनिंग कितना है अपने पास में 60। देखो रिमेनिंग को मैंने कल भी बताया था अपन को, एक्स को क्या लिख सकते हो, सॉरी रिमेनिंग को क्या लिखते हैं अपन, आर नोट माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। तो तुम अगर डायरेक्ट रिमेनिंग की जगह ये भी अपन लिख सकते हैं कि 100 माइनस 40, तो वैल्यू वही आएगी, तो अपने पास में के क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाय आर, और क्या आएगा, 2.303 अपॉन 2303 लॉग 100 बाय 60, क्या आ जाएगा अपने पास, के इक्वल्स टू 10/6 मल्टीप्लाई 10^-3। देखो इसके मैंने क्या करे, 1, 2, 3 पॉइंट हटाए, 3 पॉइंट हटाऊंगा तो 10^-3 आ जाएगा अपने पास, ये हटाया ये हटाया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आई 1, तो अपने पास में ये बचा k इक्वल्स टू log 10^6 माइनस, और क्या लिख सकता हूँ, k इक्वल्स टू log 5/3 मल्टीप्लाई 10^-3। देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, इस लॉग वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 5/3 है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 5 - log 3 10^-3 के। अब देखो लॉग 5 और लॉग 3 की वैल्यूज अपन को क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, लॉग 10 तक की वैल्यू अपन को, 10 में से अपन को 1 की, लॉग 1 कितना होता है 0 होता है, log 2 कितना होता है 0.3010 होता है, log 3 0.4777 होता है, log 4 अपने पास में कितना आता है 0.6020, ऐसे अपने पास में log 10, log 10 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो ऐसे अपन को क्या करना पड़ेगा, log की वैल्यूज थोड़ी सी अपन को क्या करनी पड़ेगी, मेमोराइज रखनी पड़ेगी सवालों को हल करने के लिए, ठीक है। तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा, log 5 कितना होता है 0.6989 माइनस log 3 अपने पास आएगा 0.4777 10^-3, ठीक है। इसमें से माइनस कर दोगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट देखो यहाँ से 2212 10^-3, या मैं लिख सकता हूँ k इक्वल्स टू 2.122 10^-3। देखो क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है तो अपने पास सेकंड इनवर्स इसकी क्या लग जाएगी, यूनिट लग जाएगी। तो अपन ऐसे लॉग की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, मींस लॉग x माइनस वाई का अपन क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा दें। तो यहाँ पर अपन को 10 तक लॉग की वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर रखना पड़ेगा।
यहाँ पर अपन ने क्या करा, सबसे पहले इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन लिखी जो बची हुई थी वो, और इनिशियल इससे अपना क्या आया लॉग 10/6, और ये वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी 10^-3 में। यहाँ मैंने 1, 2, 3 पॉइंट हटाए और इसका डिवाइड लगा दिया तो ये आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, लॉग 10/6 को मैं लिख सकता हूँ लॉग 5/3, तो यहाँ पर लॉग 5/-, ये करा तो ये अपने पास में क्या आ गया वैल्यू 0.6899 किसकी होती है, लॉग 5 की होती है, लॉग 3 की 0.7477 होती है। इन दोनों को माइनस करा और लास्ट में क्या लगा दी, यूनिट लगा दी, तो अपने पास में इसका आंसर आ गया। मतलब इस टाइप के सवाल जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी होगी तो अपन 100 मान लेंगे उसको, और पिछले वाले में अपन को इनिशियल भी दे रखी तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब अपन लास्ट हाफ लाइफ का एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, यदि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग नियतांक का मान .3010 मिनट इनवर्स है तो अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करो। अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करो, ये क्या है अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको कर देते हैं। अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि अभिक्रिया की अर्धायु कितनी होती है, t ½=0.693/k। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 0.693/0.3010, तो इससे अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, t ½=2.303। देखो कि अपना मिनट इनवर्स में है तो टाइम की यूनिट क्या आ जाएगी, मिनट, तो ये अपने लिए इस अभिक्रिया की आ जाएगी हाफ लाइफ आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन प्रथम कोटि अभिक्रियाओं में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अपनी ये प्रथम कोटि अभिक्रियाएं अब कंप्लीट हो गई है।